देश में चुनाव नजदीक आने के साथ ही तल्ख सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता दीदी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं, कभी त्रिपुरा की बेटी बताती हैं, लेकिन वो बताएं कि असली पिता उनके कौन हैं, किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। दीदी की ये गोवा तो बोल हमें गुआर में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो जातर में हाँ ठीक। दिलीप घोष के इस बयान पर टीएमसी आग बबूला हो गई। ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने दिलीप घोष पर जुबानी हमला बोला। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है, दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी, इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। टीएमसी के नेता और बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से दिलीप घोष के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे कीर्ति आजाद ने भी उन पर निशाना साधा। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है मालूम नहीं, अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है, इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो श्यामा तारणी शोक्षी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्मस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी जो हम लोग की तरफ जिनकी आराधना की जाती है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। टीएमसी ने अब इस मामले में दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच महिला सम्मान का ये मुद्दा कहां तक जाएगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।